शामली पुलिस ने एक शातिर और बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने चोरी के दो मोबाइल, एक अवैध तमंचा व 16,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश महिला बैंक मैनेजर से मोबाइल व पर्स लूट कर फरार चल रहा था। शातिर बदमाश आए दिन बस में सफर करते व राह चलती महिलाओं से लूट कर फरार हो जाता था। पकड़ गए आरोपी व पुलिस के मुताबिक बदमाश का एक अन्य साथी भी अभी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये शामली जनपद की पुलिस ने अच्छा काम किया है। इसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम और स्वाट और सर्विलांस के जोगेंद्र और सत्यपाल सिंह की टीम को इसमें सफलता मिली है। इसमें एक ऐसे अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो महिला संबंधी अपराध करने का आदती है। इसने एक महिला से जो बैंक में काम करती थी उससे एक पर्स लूटा था, जिसमें उनके दो मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और कुछ रुपए गए थे। इसी तरह से इसने एक महिला से जो बैंक से रुपए निकाल के ले जा रही थी, 1,00,000 रुपए की चिनैती इन्होंने किया था अपने साथी के संग मिलके एक बाइक पर सवार होकर। वो भी घटना, दो घटनाएँ इनसे वर्कआउट हुई हैं और इनके कब्जे से महिला के लूटे गए एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, दोनों मोबाइल बरामद हुए हैं पूरी सही हालत में, और साथ ही साथ जो 1,00,000 रुपए की लूट हुई थी महिला से उससे भी 16,000 रुपए इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। इन्होंने ये स्वीकार किया है कि बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और लोनी इसमें भी ये छिनैती की घटनाएं कर चुके हैं, तो जिसका अलग से आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बाकी हमारे जनपद की ये दो घटनाएँ वर्कआउट हुई हैं। इनके कब्जे से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो चोरी की है। जांच पड़ताल हो गई है और इस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या किसी गैंग से जुड़े हुए थे सर, और कौन लोग इनका? एक गैंग है, ये इसका एक तंजीम नाम का साथी है जो अभी फरार है, उसकी धरपकड़ के लिए टीम लगाई गई है। लेकिन ये बेसिकली दो लोगों का ही गैंग था और ये किराए पर यहाँ रहता था। मूलतः मुजफ्फरनगर जिले के तेतावी थाने के बघरा गाँव का ये रहने वाला है और इसकी आम शुरत इसके गांव में भी पता कराया गया ठीक नहीं है और यहां पे किराए पे रह के इस तरह की वारदातें ये बदस्तूर अंजाम दे रहा था। सर, क्या कारण था, क्यों करता था ये चिनैती वगैरह? ये केवल क्योंकि इसकी शादी भी नहीं हुई है, एक बिल्कुल नालायक किस्म के रूप में इसका गांव में इसका वो है, आम शुरत है, इसकी शादी भी नहीं हो रही और इसमें यहाँ पे किराए पे रूम ले करके रहता था और अपने दोस्त के साथ ये काम करता था, अय्याशी करने का ये आदती है। जनपद शामली के जिला कलेक्ट्रेट में सातवें दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। शामली के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। शामली के किसानों का शुगर मिल पर करीब 300 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया का भुगतान है, जिसको लेने के लिए किसान लगातार शामली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बकाया गन्ना भुगतान दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर दर्जनों किसानों ने शामली जनपद निवासी गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा का श्राद्ध कर मुंडन कराया था, लेकिन बावजूद उसके किसानों की सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके अलावा शामली में हिंदू मुस्लिम किसानों ने बीजेपी सरकार को अमृत मानकर जनाजे की नमाज भी अदा की थी, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी शामली के मिल प्रशासन और जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रकट कर रहा है। शामली के किसानों ने शासन व प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर गन्ना भुगतान नहीं दिया गया तो शामली के 8 किसान जिला कलेक्ट्रेट में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करेंगे। दरअसल किसानों का शामली शुगर मिल पर पिछले वर्ष का 80 करोड़ व इस सत्र का करीब 200 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेने के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। हालांकि मिल प्रशासन ने किसानों के विरोध को देखते हुए किसानों को 10 करोड़ रुपए का भुगतान दिया है, लेकिन किसान इस भुगतान से संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि यह पेमेंट ऊंट के मुंह में जीरा और बहरे के कान में रुई ठूसने के बराबर है। ये धरना जो चल रहा है, ये 16 तारीख से धरना चल रहा है और 16 तारीख से आज ये मिल कर्मी और एडीएम और ये सब आज सूद लेने आए हुए हैं और आज भी पिछला पेमेंट 10 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है वो दिया, बल्कि इसमें 82 करोड़ रुपए का पिछले सत्र का पेमेंट रह चुका हो, नए सत्र का 200 करोड़ का गन्ना जा चुका हो और फिलहाल अभी 10 करोड़ रुपए का अकाउंट में पेमेंट लगा है और इस आश्वासन पर धरना उठाने की बात कर रहे हैं, जिससे कोई सहमत नहीं बन पा रही है। हमने भाई यूनियन के आदमियों ने मुंडन भी कराया था, हमने नमाज भी पढ़ाई थी, सब काम कर लिए, पर प्रशासन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है, ना प्रशासन की हो या झूठे वादे हैं सब।
सब झूठे वादे हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे कह ये तो धरना ही देते हैं, ये भी जो अपने इनका काम ही यही है, ये यूनियन फर्ज ये है वो है। हमारा पेमिट करा दो ना, हम धरना देने के ना कुछ देने, हमारा पिछले सत्र का पेमिट करा दो, नए सत्र का जो पेमिट है इसमें कब तक हो जाएगा, ये तो अनलिमिटेड चलेगा धरना, इतना हमारा पेमेंट नहीं होता, इतना हम धरना नहीं बंद करेंगे, कोई हमें आश्वासन पक्का नहीं मिलता भाई। मिल कर्मियों पर हमें कोई विश्वास नहीं है, इसमें आदमी अब और तादाद में बढ़ेंगे, हम आज तो इस स्थिति पर, कल हम यहाँ जाम भी लगाओगे, तहसील भी बंद करेंगे, पूरी शामली बंद कर देंगे अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती भाई। 16 तारीख से हम धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, दिन रात के धरने पर बैठे हैं, 80 करोड़ बकाया है, और आज मिल की तरफ से आते हैं कहते हैं कि 10 करोड़ ले लो और बाकी 15-20 दिन का टाइम दे दो। कुल कितना बकाया है, 100 करोड़ तो पिछले वर्ष का है, 210 करोड़ के करीब ये बकाया पूरा है। तो आपने जनाजे की नमाज पढ़ी, क्यों पढ़ी? हमारे हिसाब से तो सरकार मर चुकी है, इसके लिए हमने ये नमाज पढ़ी। तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाकर भी विरोध जताया जाता था, ऐसा क्या कारण रहा कि नमाज पढ़कर मंडन करा के आपने विरोध दर्ज कराया? मुर्दाबाद से तो इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, हाथी के कान में रुई दे दी हो, इनको जब ये बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए हमने ये सब किया, मुंडन भी किया और नमाज भी पढ़ी। आपको मतदाता, किसान को मतदाता की नजरों से देखा जाता है, हिंदू राष्ट्र भी है, उसके बाद भी है मुस्लिम नीति से जो है अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि अब हिंदू से मुस्लिम होना पड़ेगा या जो है अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा कभी चेते की सरकार? देखिए, इस सरकार का तो काम हिंदू मुस्लिम का है, हिंदू मुस्लिम कराओ और सत्ता में आ जाओ। इस बार किसान कोई धर्म से नहीं बटा हुआ है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, ये सब धर्म का है। इस बार किसान वोट में तो इनकी हालत खराब करेगा ही करेगा, इलाज बांध देगा। अभी घोषणा हुई है मंच से कि भाई इस बार जो भी सरकार का प्रतिनिधि हमारे गांव में आएगा या वोट मांगने आएगा, उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। 8 लोगों की एक सूची तैयार की गई है जो आत्मदाह का काम यहाँ DM कार्यालय पे करेंगे। सोलह तारीख से ये धरना लगातार चल रहा, और धरना भी ऐसा नहीं रखा गया, पहले 2-3 बार शासन को ज्ञापन दिया गया, सूचना दी गई कि जल्द से जल्द गन्ना भुगतान किया जाए, लेकिन किसी ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। चेतावनी के बाद 16 तारीख को ये धरना शुरू हुआ और लगातार आज 6ठा दिन है ये धरना चालू है। हमने पहले दिन मुंडन कराया था और अगले दिन मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर जनाजे की नमाज पढ़ी, सरकार को मरा मान लिया, क्योंकि सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, किसान दुखी है, परेशान है, और सरकार आज एक बयान आया है जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से, उन्होंने कहा है ऐसे लोग ये धरना ही देते रहते हैं और सर मुंडवाते रहते हैं, हम किसानों की तरफ से इस बयान की कठोर निंदा करते हैं। ये सरकार को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम शांतिपूर्वक से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम रोज सरकार का ध्यान किसान की समस्या की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। पहले सर मुंडवाया था, फिर नमाज पढ़ी, इसके बाद एक किसान तो हमारा कल टंकी पर चढ़ गया था, जिसको हमने और खाप चौधरी ने मिलकर रिक्वेस्ट करके उतारा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आ रहा है। आपको मतदाता के रूप में देखा जाता है, हिंदू राष्ट्र भी है, उसके बाद भी है आप लोग मुस्लिम रीति रिवाज अपनी मांगों को मनवा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसान कोई जाति और धर्म में नहीं होता है, किसान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सारी जाति और धर्म का ये संगठन है किसान यूनियन। हमारे हिंदू भाइयों ने सर मुंडवा के और मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर विरोध जताया है। क्या मांगे हैं आपके? हमारी पिछले साल का 80 करोड़ रुपए शामली मिल पर भुगतान है और इस वर्ष का 150 करोड़ से ऊपर का गन्ना भुगतान है जो शामली मिल नहीं दे रही है, और गन्ना किसान के ऊपर बिजली वाले मुकदमे कर रहे हैं, आवारा बछड़े उनकी सारी फसलें खा रहे हैं, लेकिन सरकार किसान के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, सब परेशान हैं, किसान मजबूर है, और जल्द
8 लोगों की टीम है जो आत्मदाह तक करने को तैयार है। तब तक आप लोग धरने पर होंगे? जब तक संपूर्ण गन्ना भुगतान नहीं हो जाता, सरकार ने चुनाव में वादा किया था 14 दिन में हम गन्ना भुगतान करेंगे, 14 दिन का शेष छोड़कर जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता ये लगातार धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलता रहेगा और किसान अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाता रहेगा। श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के विवाह पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु के महल और गुरुद्वारा अटारी साहिब की संगतों के सहयोग से एक विशाल अलौकिक नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु के महल लोहगढ़ से पंच प्यारों के नेतृत्व में शुरू किया गया, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ गांव सुल्तान विंग के गुरुद्वारा अटारी साहिब में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर विवाह पूर्व नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर संगतों ने हिस्सा लिया और गतका पार्टी द्वारा गतका के करतब दिखाकर सिख संगत को निहाल किया गया। रास्ते में नगर कीर्तन का समूह संगतों ने उत्साह के साथ स्वागत कर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर गुरुद्वारा अटारी साहिब के प्रधान जसविंदर सिंह ने समूह संगत को विवाह पर्व की बधाई देते हुए हर साल की तरह विवाह पर्व में सहयोग देने की अपील की। इस मौके पर संगतों ने विवाह पर्व की बधाई देते हुए नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया। आज जेड़ा शुभ दिहाड़ा मनाया जा रहा है हरगोबिंद पातशाह जी का विवाह पर्व नगर कीर्तन, जो कि हर साल की तरह गुरु के महल तो चल के वक् वक् बाजारा जो हों पिंड सुल्तान विंग गुरुद्वारा अटारी साहिब विखे पहुंचेगा। यह सारा प्रोग्राम समूह साध संगत के सहयोग नाल संतान के सहयोग नाल किया जाता है। समूह साध संगत में बेनती की जाती है कि हर साल की तरह हर साल संगत अपना तन मन धन सहयोग देन, जो हर दिन पातशाह दी खुशियां प्राप्त करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज के पावन दिवस के उत्ते श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के विआह पुरब के संबंध के नगर कीर्तन, जो कि गुरु के महल तो चल के श्री अटारी साहब वल जाते हैं, इस शहर इस रस्ते दे विच हीरो अन्ना मार्केट वालों उन्हों का बरात का स्वागत किया गया, जिस दे विच समूह शहर वासियों नू इस पावन पुरब दे विच लख लख वधाई होवे जी। पंजाब के जंडियाला गुरु थाना के अंतर्गत आते गांव मलकपुर में नशे की ओवरडोज से अमृतधारी व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह पुत्र कश्मीर सिंह उम्र करीब 27 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई गुरमीत सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई शोध के लिए खेतों में गया हुआ था। जब वह एक घंटे तक वापस नहीं आया तो उसकी तलाश की गई। तभी किसी ने उनको सूचना दी कि उनके भाई की लाश खेतों में पड़ी है। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां पर पास में ही नशे की डोज से भरी सिरिंज पड़ी हुई थी। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। इस घटना का जायजा लेने के लिए एसपी डी देहाती हरपाल सिंह, डीएसपी जंडियाला गुरमीत सिंह चीमा मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस चौकी इंचार्ज नवापिंड मेयर सिंह व अन्य लोग भी पहुंच गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपीडी हरपाल सिंह ने कहा कि इस मौत से उनको बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नशे को खत्म करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। किस तरह होगी? नशा करता ही। अच्छा ही। अगे कदी नहीं करता, दो चार दिन ही हुए करदे नु। केड़ा नशा करता सी? टीके लाउंदा ही। अच्छा। किन्ने बजे दी गल है? 6 बजे दी गल है। 6 बजे। अच्छा। सवेर दे टाइम? सवेर दे टाइम। अच्छा। ते किन्ने जने घर दे विच कमाउण वाले? कमाउण वाला कोई नहीं हैगा, मेरा आदमी भी खत्म हो गया। ते होए कमाउण वाला ही, दो बच्चे दे। कमाउण वाला साडे कोई नहीं गा। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਆ ਜੰਤ ਪਾਲ ਦੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੈਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋ ਕਰਨੀ ਜੋਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਸਕੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੌ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੈਰਾ ਲੱਗੇ।
नशे वाले भी सख्त तो सख्त पैरा चाहिए इन्होंने भी जो अपनी दुनिया ही मुक गई तो आप की कर सकते है ता ही दुनिया अपनी आप वोटा किसी को लवेंगे जे अपनी दुनिया रहूगी तो जे दुनिया अपनी खत्म होगी तो आप की कर सकते हैं सरकार सरकार की करूगी फिर आप कादे सर ते राज करूगी सरकार। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देवभूमि जनसेवा केंद्र व कॉमन सर्विस सेंटर में देर रात चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिसका सुबह उस समय पता चला जब संचालक सेंटर पर आया और उसने दरवाजे खुले देखे तो उसके होश फाकता हो गए। जब उसने चोरी हुए सामान को देखा तो बताया कि यहां से एक LCD व लैपटॉप और एक प्रिंटर, दो बैटरी, एक इन्वर्टर, सौर ऊर्जा की प्लेटें आदि सामान चोरी हो गया है। इसके साथ ही कई अन्य उपकरण भी चोरी किए गए हैं, जिसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत बनाए गए 500 गोल्डन कार्ड, कुछ सरकारी कागजात भी चोरी किए गए हैं। दूसरी ओर लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा का कहना है कि चोरी के मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है, जाँच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसमें प्रथम दृष्टया जो घटना चोरी की पता चल रही है इसमें तहरीर के लिए कहा गया है, जैसे तहरीर होती है पंजीकृत करके अन्वेषण किया जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पठानकोट के आदेशानुसार पशुपालन विभाग की तरफ से पठानकोट जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कोट में जिले का अस्तेवा कैंप लगाया गया, जिसमें GOG सिकंदर सिंह पठानिया ने कैंप के आयोजन में काफी सहयोग किया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों डॉक्टर विजय व डॉक्टर गुलशन ने ग्रामीणों को दुधारू पशु पालने के लिए प्रेरित भी किया। मैं आज पिंड कोट दे विच मिशन तंदुरुस्त पंजाब दे तहत जो कैंप लग्या, मैं डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर गुलशन जी का अपने वालों तो अपनी टीम वालों तह दिल तो शुक्रगुजार करदा कि इन्हों का जिहड़ा है इतना बिजी शड्यूल होने के बावजूद भी इन्होंने अज जिहड़ा है 80वां कैंप पिंड कोट दे विच लाया। इहदे नाल नाल मैं पिंड का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जेडे इत्थे इन्नी तादाद दे विच पहुँचे और इन्होंने डॉक्टर साहब दीआं दसियां होईआं गल्लां ते सुणीआं। अज पिंड कोट विखे जिहड़ा एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हैगी है, जिन्हों हलका दी बीमारी दे नाल जाणिया जांदा है, उस बीमारी बारे जिहड़ा आपां पशु पालकां नूं पूरी तरह जागरूक किया, उन्हां नूं दस्सिया कि जदों भी कोई कुत्ता तुसीं अपने घर दे विच पालतू कुत्ता रखना है उस नूं समें समें सिर ते वैक्सीनेशन करवाओ, लोड़ पैण ते डॉक्टर नाल संपर्क करो, जदों किसे तरह की कोई भी ट्रैजडी होंदी तुहाडे नाल कोई कुत्ता कट जांदा टाइम टाइम ते जदों बंदा टीकाकरण हुंदा वो टीकाकरण जरूर लगवाओ। डिप्टी कमिश्नर पठानकोट श्री रामबीर जी उन्हां दे दिशा निर्देशों अनुसार पशु पालन विभाग वालों तंदुरुस्त मिशन पंजाब अधीन यह पिंड कोट विखे 80वां कैंप जिहड़ा है वह जिले का लगाया गया। इस कैंप दे विच बहुत ही संख्या दे विच पशु पालक वीरां ने हिस्सा लिया, खास तौर पर बीबियां भैणां ने। मैं इस पिंड वासियां नूं बधाई दिंदा कि इन्ने इकट्ठ दे विच इसे आए ने अते इन्हां नूं मैं ये अपील करदा कि जिन्हें भी पशु पालक वीर ने वह वध तो वध दुधारू जानवर जिवें कि गावां, मझां, बकरियां अपने घरां दे विच पालन अते अपने घर दा ही दुध पीन अते दुध तो बनियां होईयां चीज़ां जिवें कि खोया, पनीर, मक्खन, दही आदि खाण अते अपने आप नूं ते अपने बच्चियां नूं सेहतमंद अते तंदुरुस्त रखन। और मैं इन्हां नूं पशु पालक वीरां नूं यह विश्वास दिलाना कि कंडी इलाके दे विच असीं कोई भी इस तरह का पिंड जिहड़ा है वह नहीं रहन देंगे, जिन्हां नूं वैटनरी सेवावां जिहड़ी है वह सहूलत घट है, असीं गस्टर होलीडे वाले दिन अते छुट्टी वाले दिन हर पिंड दे विच जा के ये कैंप लगाने आ। मेरे नाल मेरे डॉक्टर गुलशन जी वैटनरी अफसर सरकारी पोली क्लीनिक पठानकोट ये भी कैंप दे विच हुंदे ने, साडी GOG टीम सानू बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, जिन्हां दे इंचार्ज श्री सिकंदर सिंह पठानिया जी है हर एक कैंप दे विच सानू सपोर्ट करते हैं। बस मैं इन्हां शब्दां दे नाल ही पशु पालक वीरां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा।
ब्लॉक समिति सदस्य पंकज सिंह पक्खा ने गांव छन्नी को जाते शहीद ध्यान सिंह द्वार के शहीद गेट के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए शहीद के नाम की खस्ता हाल को सुधारने की मांग सरकार से की है। उनके अनुसार 1962 को शहीद हुए इस शहीद को सम्मानित करते हुए इस मार्ग का निर्माण करवाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कम से कम उनके अपने जीवन काल में इस मार्ग की मरम्मत होते नहीं देखी गई। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मार्ग की मरम्मत जल्द ही नहीं की गई तो वह प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये जरा तुम अभी दस रहे हैं रोड शहीदा का 1962 साढ़े ध्यान सिंह शहीद होए जी सानू बसंत राम जी तो साढ़े नाल उन्होंने शहीदा के परिवार भी नाल जुड़े हुए हैं। तो साड़ी अपील यही सरकार अगे कि साढ़ा रोड जरा बनाया जाए तो 1 किलोमीटर रोड है जो अवेलेबल हो रहा है मंजूर है पर रोड बने नहीं जो होश अपने आए जनपद किन्ने साल अगे रोड बने रोड बने नहीं जी ये रोड कभी बनया नहीं कभी बनया नहीं है तुम्हें सरकार अगे कभी अपील नहीं की अगर की जी मंडी बोर्ड अगर लैटर भेजा एक वह कोई जवाब नहीं आया सू जी हूँ मौजूदा सरकार तो सरकार अगर की अपील करते हो अपनी सरकार अपील साड़ी यही है जी सू जल्द तो जल्द रोड 1 किलोमीटर तैयार किया जाए अगर ये रोड तैयार नहीं होता फिर तुम की करोगे फिर धरना लावे फिर मुर्दा बाग करावे जी इस अलावा तुम्हें और किसी अगर अपील की है कि अपने ठाकुर राम सिंह मंडू भी बोलिया जी तो एक लैटर मंडी बोर्ड में भेजा अपील करते रहे कहने पर साड़ी सुनाई का कोई हल नहीं जी तुम चाहते कि जल्दी जल्दी रोड बने जो शहीद परिवार रोड बनना चाहिए देखो बाकी अगर रोड ना बने फिर IDC आके तो धरना लावे जी सारा पिंड जाएगा साडा IDC आवे धरना लावे रोड की मंजूरी लावे तो वैसे भी अगर सरकार वालों शहीदा का समान ले तो अपमान हो रहा जी 1962 का शहीद हो रहा कोई रोड नहीं कोई गल नहीं बात नहीं तो सरकार कहें कि शहीदा का समान करो समान कितने अपमान है नहीं रही 30 साल उम्र मेरी हो गई 30 साल तो पहले भी 50 साल रोड नहीं बनया जी तो साड़ी सरकार अगर अपील यही है कि जल्द से जल्द रोड जरा तैयार किया जाए। गुरु नानक मिशन समाज सेवी संस्था वालों मुक्त दिमाग दीआं बीमारियां ते रीढ़ दीआं हड्डियां दा कैंप लवाया गया। इलाके दी सिमौर संस्था गुरु नानक देव मिशन समाज सेवी संस्था मलोट वालों लोक हित मुक्त दिमाग ते रीढ़ दीआं हड्डियां बीमारियां दा कैंप झाम गैसट हाउस मलोट विखे लगाया गया। इस विखे डॉक्टर सुखदेव गिल जिला कोआर्डीनेटर समूह समाज सेवी संस्थावां प्रधान पम्मा सिंह बराड़ वालों कार्रवाई करवाई गई। दिमाग ते रीढ़ दीआं हड्डियां दे माहर डॉक्टर रोहिंग कौंसल बठिंडा वालों अपनी टीम समेत 280 मरीजां दी तसल्ली बख्श जांच कीती गई ते लोड़वंद मरीजां नूं मुफ्त दवाइयां दित्तियां गईयां। इस मौके डॉक्टर गिल पम्मा बराड़ तों इलावा कुलविंदर सिंह पनुआ प्रितपाल सिंह गिल भुपिंदर सिंह विरक मुख्तियार सिंह परमजीत सिंह सुरेंद्र कुमार कुलदीप सिंह अवतार सिंह बराड़ शिवराज सिंह कंग सतपाल सिंह राजकुमार आदि समूह मैंबर हाजिर सन ते डॉक्टर सुखदेव गिल वालों आए हुए मरीजां दा धन्नवाद कीता गया ते परमात्मा अग्गे अरदास कीती गई कि इन्हां नूं तंदरुस्ती बख्शे ते बीमारियां तों मुक्त करवावे। अज गुरु नानक मिशन समाज सेवी संस्था रजिस्टर मलोट वालों प्रधान सरदार परमिंदर सिंह पम्मा बराड़ जी की जो अगवाई दे विच एक विशाल कैंप जिहड़ा झाम गैस पे हिलाया गया है। अज दा जिहड़ा कैंप है इस कैंप के दौरान दिमाग और रीढ़ दी हड्डियां दी बीमारियां संबंधी सारी जिहड़ी जांच कीती जाएगी और ना सारे मरीजों बिल्कुल मुफ्त जिहड़ियां ने वह दवाइया दित्तियां जाणगियां और अज मिशन दे विच विशेष तौर पर मरीजों रहत की गई है कि जिहड़ा सिटी स्कैन आम तौर पर 2500 रुपए के हुंदा है उन्हां दा 1700 रुपये कराया जाएगा और इस दे नाल ही जे किसी ने MRI करवानी है जिहड़ी कि आम तौर पर 5000 रुपए के हुंदी है वह अज मिशन के कैंप के दौरान 4000 रुपए की जाएगी और सारे मरीजों नूं यह भी सहूलत मुहैया करवाई गई है कि जिन्हों की अज पर्ची बन जाएगी उन्होंने डॉक्टर रौनक कौशल जी जो बठिंडे तो दिमाग और रीढ़ की हड्डी माहर डॉक्टर हैं वह बिल्कुल फ्री जोड़ा है वह सेवावान देंगे और होर भी माण वाली गल है कि गुरु नानक मिशन समाज सेवी संस्था रजिस्टर मलोट वालों जेकर कोई गरीब बेसहारा तो लोड़वंद व्यक्ति होगा उसका घट्टो घट जो डॉक्टर कौशल साहब ने अब विश्वास दवाया है कि 5 मरीज उन्हों का बिल्कुल जोड़ा इलाज है वह मुफ्त किया जाए ये जी कि पेशेंट का चैकअप किया जाऊगा असं समझने का अच्छ घट्टो घट 250-300 पेशेंट जोड़ा है वो अज के कैमरे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के अथक प्रयासों के चलते पुलिस लाइन में बहुउद्देश्य हॉल का लोकार्पण रिमझिम बारिश के बीच बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया। इस दौरान सुंदर कांड पाठ का
भव्य आयोजन किया गया। इस हॉल का निर्माण बहुत से उद्देश्यों को पूरा करते हुए बनाया गया है। यही कारण है कि इस हॉल को बहुउद्देश्यीय हॉल का नाम दिया गया है। इस हॉल की क्षमता 1000 लोगों की है। इसमें मीटिंग, सभा, कार्यक्रम व त्योहारिक कार्यक्रम बड़ी आसानी से सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो सकते हैं। पुलिस लाइन में इतना बड़ा हॉल कोई नहीं है, जिस कारण अक्सर कार्यक्रमों को लेकर दिक्कतें पैदा होती थी। लेकिन अब SSP मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह की मेहनत, लगन और अथक प्रयासों के चलते यह हॉल बनकर तैयार हो गया है, जो बहुउद्देश्यीय कार्यक्रमों के लिए बनाया गया है। इस हॉल का उद्घाटन सुंदरकांड पाठ का आयोजन करके किया गया। वहीं पुलिस लाइन में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, पत्रकार और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस हॉल को बनवाने तथा मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में शहर के गणमान्य लोग एवं सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर SPCD ओमवीर सिंह, SP देहात आलोक शर्मा, SP ट्रैफिक BB चौरसिया, IPS श्रद्धा तिवारी, CEO सिटी हरीश कुमार भदौरिया, CEO नई मंडी योगेंद्र सिंह, CEO भोपाल राम मोहन शर्मा व समस्त पुलिस क्षेत्र अधिकारी व थाना प्रभारियों सहित समस्त पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। यहाँ उपस्थित होकर के इस बहुउद्देशीय हाल के जीर्णोद्धार और इस प्रांगण के सौंदर्यीकरण में अपना जो भी सहयोग दिया है वह निश्चित रूप से प्रशंसा की योग्य है। मैं ज्यादा बात न करके इतना ही कहना चाहूंगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा से जो भी कार्य यहां पर संपादित किया गया है, जिसमें हम सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग करने का प्रयास किया है, वह नितांत ही प्रशंसनीय है। शुभ दिन है और सौभाग्य है इस पुलिस लाइन के लिए कि हम सब लोगों के लिए इस मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं उन्होंने सहयोग देकर इस इतने बड़े शेड का निर्माण यहाँ पर ईश्वर के पास भगवान भोले के पास हुआ है। लगभग एक साल पहले जिन लोगों ने इस परिसर को देखा होगा, मंदिर को देखा होगा, तो निश्चित रूप से उसमें और आज के स्वरूप में इसमें बहुत अंतर है। जो लोग यहाँ पहले आते रहे होंगे, देखते रहे होंगे पूजा अर्चना के लिए, और आज जब आए होंगे तो उसमें काफ़ी अंतर है। हम लोगों ने सब एक दिन यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सभी अधिकारी गण से मैं भी था, और ये डिसाइड किया कि इसका इस प्रांगण में एक बड़ा शेड बनाया जाए, जिसमें पूजा से संबंधित सभी कार्यक्रम इसमें हो सकें, क्योंकि मंदिर है ही हमारा, और उसके लिए अच्छा सा कम से कम ऐसा शेड बनाया जाए, कोई भी मौसम हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, उसमें सुगमतापूर्वक कोई भी कार्यक्रम इसमें पूजा अर्चना से संबंधित किया जा सके। और इसके अतिरिक्त जो फंक्शंस होते हैं हमारे पुलिस लाइन्स के, वो इसमें किए जा सके। जैसे जन्माष्टमी होता तो जन्माष्टमी में आप लोग सब देखते हैं अक्सर बरसात होती है जन्माष्टमी के, उस समय बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, पिछली जन्माष्टमी को भी बरसात हुई थी, तो उसके उद्देश्य से इस हॉल का निर्माण किया गया और यहाँ के लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग किया। उनका मैं सभी जिन्होंने जिस तरह तो भा जिसे मंदिर कहा जाता है पूजा पाठ के लिए बड़ी अच्छी जगह होती है, मंदिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो नवनिर्मित जीर्ण उदार और ये जो हार बनाया गया है, इसमें मैं तो जो रिजर्व पुलिस लाइन के हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं उनकी देन है। यदि उनके मन में ये बात ना आती तो ये नहीं होता। तो पहले तो मैं सबसे पहले तो इन्हीं का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा कार्य जो कि जब तक जनपद सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परिकल्प के महानगर संयोजिका के द्वारा वर्षगांठ पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरुद्वारा रोड पर जय मंगला स्कूल में आयोजित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में भाजपा की नेत्री अवनीत कौर, वर्षा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने बच्चों को शिक्षा का संदेश दिया, जहां उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चौथी वर्षगांठ है, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से समाज को एक संदेश देना उनका उद्देश्य रहा है, जिसमें बेटी के बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए बेटी को बचाया जाए और उसके बाद उसको पढ़ाया भी जाए, जिससे बेटी परिवार का नाम रोशन करेगी और तभी हमारा घर, परिवार और देश उन्नति कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी से
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सहयोगी का, और आज हमारे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्थापना की थी। आज स्थापना दिवस है उसका, 22 तारीख को 4 साल आज पूरे हो गए हैं इसको, और इसके लिए हमने आज निबंध प्रतियोगिता एक रखी है स्कूल में, जयमंगला स्कूल है सहारनपुर का, और इसमें हमने बेटियों को वो आ रहा है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी पे उनको बोला है लिखने के लिए, और बेटी बचाओ पे वो लिख रहे हैं और अपने देश के ऊपर लिख रहे हैं, और इसमें बेटियों को थोड़ा मौका मिलता है अपना प्रतिभा दिखाने का, और उसके बाद सभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बेटियाँ जो हैं उन्हें हम आगे लेके जाएँ और देश में सभी उन्नति हो। यहाँ पर आज निकिता मनुजा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका है, उन्होंने एक प्रतियोगिता का प्रतियोगिता रखी है, निबंध प्रतियोगिता। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यहाँ की संयोजिका निकिता मनुजा जी ने जय मंगला स्कूल में कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि बच्चियों को बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जनपद सहारनपुर की सरसावा पुलिस और अभिसूचना विंग को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 900 पेटी शराब के पकड़ी है। शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत सरसावा थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा तथा अभिसूचना विंग प्रभारी जर्रार हुसैन के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान पुलिस ने हरियाणा से ट्रक संख्या HR 6542 में तस्करी कर लाई जा रही 900 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ ली। पकड़ गई शराब के साथ पुलिस ने दो तस्करों गुलचन और मोहन को गिरफ्तार किया है। पकड़ गई शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में थाना सरसावा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में SHO शैलेंद्र कुमार शर्मा, अभिसूचना विंग प्रभारी जर्रार हुसैन, उप निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक वीर सिंह, उप निरीक्षक राजकुमार यादव, हेड कांस्टेबल अमरेश कुमार, संजय सोलंकी, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। दिनांक 21-22 की रात्रि में थाना प्रभारी सरसावा में फोर्स के और SOG के द्वारा एक संयुक्त अभियान के तहत जब संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तो शाहजहांपुर चेक पोस्ट के पास एक संदिग्ध गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें जब उसकी तलाशी ली गई तो लगभग 900 पेटी अंग्रेजी शराब जो भूटान में सेल की जा रही, भूटान में सेल करने के लिए भेजी जा रही थी, उसको पकड़ा गया। उसमें दो मुलजिम गुलशन कुमार पुत्र रमेश कुमार और मोहन पुत्र जोगेंद्र निवासी विंजल, जो दोनों थाना मुलाना जिला अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं, दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को भी उचित धाराओं में सीज किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इस पूरे प्रयास में सरसावा थाना प्रभारी उसकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और उनके इस बड़ी बरामदगी के लिए उनको मैं सराहनीय प्रयास के लिए प्रशंसा करता हूं। बागपत जनपद पुलिस को रूटीन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना रमाला पुलिस ने 60 लाख रुपए की कीमत की अफीम बरामद की है, साथ ही एक अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मामला रमाला थाना क्षेत्र का है। इसी दौरान पुलिस को एक ओमनी कार से अफीम बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे गाजियाबाद के लोनी से लाई जा रही थी और इसकी डिलीवरी शामली जनपद में होनी थी, और हैरत की बात ये रही कि लोनी में जिस शख्स ने इस व्यक्ति को यह अफीम दी, ये शख्स इसी अफीम को वापस शामली उसी शख्स को देने के लिए जा रहा था। हालांकि अभी दो आरोपियों के नाम और पुलिस के सामने आए हैं और पुलिस को इस नेटवर्क के पीछे बड़े गिरोह के होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस नेटवर्क तक पहुंचने की तफ्तीश में जुट गई है। थाना रामाला पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका नाम रोहित है, जनपद शामली का रहने वाला है। इसके पास से 2 किलो 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जो संभवतः अफीम है, और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए मार्केट में है। इससे पूछताछ में कुछ तथ्य प्रकाश में आए, जिसमें दो लोगों के नाम और इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में पता कर रहे हैं हम लोग, उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ ये पूरा चेन कि कहां से ला रहे हैं और कहां इनका मार्केट है, इसके बारे में भी हमारी तहकीकात चल रही है,
जल्दी इसमें फर्दर रिजल्ट भी आने की संभावना है। प्रथम सूचना इसने क्या दी, कहाँ से खरीदी थी, कहाँ डिलीवर कर दी? इसका इससे जो पूछताछ हुई है, इसमें लोनी में एक व्यक्ति से लेना बताया है और शामली में इसको डिलीवर होना बताया है। उल्लेखनीय है कि इसका कहना है कि शामली में भी उसी व्यक्ति को देता जिससे कि इसने लोनी में ये सामान लिया था। जो तथ्य इसके द्वारा बताए जा रहे हैं, कुछ अन्य सोर्सेस से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देख रहे हैं, उस पर छानबीन कर रहे हैं, जल्दी इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी होगा। कुल मिलाकर कितने लोग सामने आ रहे हैं इस वक्त तक? अभी तक 3 लोग का आया है, 1 गिरफ्तार है, 2 अन्य लोगों की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के बड़ापुर रोड से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कार, 3 तमंचे कारतूस और 1 किलो चरस भी बरामद की है। इन बदमाशों पर कई थाना क्षेत्रों में लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर में बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाने के लिए एसपी ने सभी थानों को दिशा निर्देश देकर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रखा था। इसी कड़ी में थाना नगीना की पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बड़ापुर ईदगाह के पास एक संदिग्ध सेंट्रो कार को रोका तो उसमें बैठे 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग कर घेराबंदी कर 4 बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों के नाम सुहेल, शानू, वसीम और शाकिर बताए जा रहे हैं। एसपी बिजनौर संजीव त्यागी ने बताया कि वसीम उर्फ चीची के ऊपर 31 मुकदमे दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। बदमाश शानू पर 13 मुकदमे दर्ज है और शाकिर पर 7 मुकदमे दर्ज है। ये सभी शातिर बदमाश है और कई जनपद में लूट और हत्या के मामले इनके ऊपर दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से 1 कार, 1 किलो चरस और 3 तमंचे सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। कल शाम चांदपुर में पुलिस पार्टी की गश्त के दौरान 4 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इन्होंने पुलिस पार्टी में जान से मारने की नीयत से फायर किया। इनके पास से 1 तमंचा बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 4 युवकों को पकड़ लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इनमें से 2 युवक मेरठ के रहने वाले हैं, अन्य 2 बिजनौर के रहने वाले हैं। वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर में स्कूल के एक चपरासी द्वारा छात्र के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। बिजनौर के आरजेपी इंटर कॉलेज में पेपर देने आए 7वीं क्लास के छात्र के चपरासी ने जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और छात्र का हार्ट भी टूट गया है। सूचना मिलने पर छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और छात्र का मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद चपरासी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मंडावली निवासी हर्ष बिजनौर के आरजेपी कॉलेज में कक्षा 7 का छात्र है। छात्र हर्ष कॉलेज में अपना हिंदी का पेपर देने पहुंचा था तो गेट पर खड़े चपरासी ने उसके देरी से आने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान छात्र का हाथ टूट गया। हाथ टूट जाने के बाद स्कूल प्रशासन ने छात्र के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर कॉलेज पहुंचे परिजन छात्र हर्ष को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज करवाने के बाद परिजनों ने चपरासी के खिलाफ थाने में छात्र से मारपीट करने की तहरीर दी है। ये है, मेरा लड़का पेपर देने आया था आरजेपी स्कूल में। जैसे गेट खुला तो लड़का अंदर जाने के लिए चपरासी ने गेट नहीं खोला, लड़के को पीछे से धक्का दिया तो लड़के का हाथ टूट गया। उसके हाथ टूटने पर भी लड़का ने कहा, अंकल जी मेरा हाथ टूट गया, मेरा पेपर है, लेकिन उसने जब भी गेट नहीं खोला। मारा भी है ने? मारने का तो उसके इस लड़के को पता होगा। मेरा नाम हर्ष है। मैं पेपर देने स्कूल के अंदर गया था तो अंकल ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बावजूद भी उन्होंने अंदर आने दिया। जब सर आए, जब आ गया वो आपके चपरासी है, उन्होंने धक्का दिया। नूरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव बेड़ा खुर्द में यूनुस पुत्र यामीन के यहां छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 50 किलो गोमांस, पशु काटने के उपकरण तथा एक कार भी बरामद की है। गाय काट रहे यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि वह रूटीन चेकिंग में थे, तभी मुखबिर ने उन्हें बताया कि गांव बेड़ा खुर्द में यूनुस के घर पर गाय काटने का काम चल रहा है। तभी उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर दबिश दी, जिसमें मौके से गोमांस और गाय काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। मौके से पुलिस ने यूनुस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जनपद बिजनौर के रायपुर थाना क्षेत्र के गांव रावल हेडी में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ती सर्दी को देखते हुए कुछ युवाओं ने गरीब व बेसहारा लोगों को कंबलों का वितरण किया। इस दौरान 30 से 35 लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगीना तहसीलदार हामिद हुसैन ने गरीबों को कंबलों का वितरण कर इस तरह के काम करने की अपील की है। रात्रि में जो है हम कष्ट में थे अपनी गाड़ी लेकर सरकारी, तो हमें ग्राम जो है बेड़ा जो है बेड़ा खुर्द के जो मोड़ है वहाँ सूचना मिली मुखबिर से कि ग्राम बेड़ा में बेड़ा खुर्द में जो है गाय कट गई है यूनुस के यहाँ। इस सूचना पे हमने जो है दबिश दी तो दो लोग तो भाग गए और एक यूनुस जो है हमने पकड़ लिया। गाय कटी हुई मौके पर उसके उपकरण वगैरह बरामद किए हैं और ये जो यूनुस है इसने दो लोगों के नाम और बताए। क्या नाम थे उन लोगों के? हाँ, एक तो वसीम है और एक अनीस है, ये रेहटा बिल्लूच के रहने वाले हैं। बिजनौर के नागासोती थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरी में बीती रात एक गुलदार ने एक भैंस पर हमला कर दिया। हमले में भैंस का बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला बिजनौर के नागासोती थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरी का है, जहां काफी समय से गुलदार के आतंक से लोग दहशत में नजर आ रहे थे। तो वहीं इलाके के लोगों की माने तो गांव में कई बार गुलदार ने पहले भी हमला किया है, जिससे गांव के किसानों को जानवरों के लिए जंगल से चारा लाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। बीती रात भी अचानक जानवरों में आकर गुलदार ने एक जानवर को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। जानवर की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने बामुश्किल जानवर की जान बचाई। वहीं अब गांव के लोग प्रशासन से अपनी और अपने जानवरों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। डेली यहां गुलदार देखा जा रहा है बस्ती के पास, और जंगल में भी जाते हुए किसान डर रहे हैं, और हम लोगों को बड़ा खतरा है, हमारे जानवर को नुकसान दे रहा है। रात ये कठड़े पे निवाला कर लिया और इधर उधर बस्ती के लोग झपटे और जब ये छोड़ के भागा। गांव के आसपास पहले भी देखा गया? हाँ, दो तीन बार देखा गया बस्ती में, और इसके पीछे भागता है। किसानों की खेती में जाना भी बहुत दुश्वार हो रहा है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारा इंतजाम करे प्रशासन, या तो वन विभाग को सूचित करा जा, या यहाँ पे कोई प्रबंध हो, इसके पकड़ा जा, जाल डाले लगाया जा। बल्लभगढ़ में पिछले दिनों दूध लेने जा रही महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में बल्लभगढ़ के सैकड़ों व्यापारी और सभी दलों के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। देखो बदमाशों की वारदात का शिकार हुई शकुंतला गोयल को न्याय दिलवाने के लिए यह कैंडल मार्च बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार से होते हुए सिटी थाने तक निकाला गया, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश लोगों ने थाने का घेराव भी किया और जमकर हरियाणा पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने जमकर पुलिस को गंदी गंदी गालियां भी निकाली और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पुलिस ने शकुंतला गोयल के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र आंदोलन कर पुलिस और सरकार की नींद उड़ा देंगे। कॉलोनी का गोलीकांड ले लो, चाहे बसंता मार्केट राजन छाबड़ा का गोलीकांड ले लो, चाहे अब शकुंतला देवी का गोलीकांड ले लो, लेकिन आरोपी ट्रेस ही नहीं होते हैं। पुलिस पूरी तरह से नाकारा हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है। ऐसी पुलिस के खिलाफ हम पूरी तरह पुरजोर प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। आज का जो ये हमारा कैंडल मार्च है, ये तो सिर्फ सांकेतिक है, ये तो प्रतीकात्मक है, लेकिन असली हम इन्हें रूप अपना दिखाएंगे। अगर ये आरोपियों को नहीं पकड़ेंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ऐसा आप लोगों के सामने आश्वासन एक दावा कर रही हूँ कि अगर ये नहीं आरोपियों को पकड़ पाए तो हम बड़े जबरदस्त तरीके से रोड जाम करेंगे और इनकी नाक में दम कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है, जीना मुश्किल हो गया है। महिलाओं पे, जो बिल्कुल निर्दोष महिला, जो इतनी बेचारी सीधी सादी महिला जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, और उसको एकदम गोलियों का शिकार बना दिया गया। उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपनी माँ खोई है, जिन्होंने अपनी पत्नी खोई है? तो ये इसका जवाब इस पुलिस को देना होगा। जब से सरकार आई है, हम इसको राजनीतिक कोई रंग नहीं देना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है। जब से सरकार आई है तब से यहाँ गोलियों पर गोलियां चले जा रही हैं और कोई गोली मारने वाला ट्रेस नहीं हो रहा है। पूरी तरह पुलिस फेल हो चुकी है। इस नाकारा निकम्मी पुलिस का हम इलाज करके रहेंगे, इनको हम सबक सिखा कर रहेंगे, और जो नेता जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो कोई सामने नहीं आता,
वो क्यों नहीं पुलिस के खिलाफ आवाज उठाते, क्यों नहीं मुख्यमंत्री के सामने अपना इस्तीफा पेश करते? सेम 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 सेम। जब वोट लेने का टाइम आता है वोट ये लोग ले लेते हैं और आते नहीं है। क्या एसीपी आपके सामने देखिए, ललित जी ने एसीपी साहब से बात की थी, एसीपी ने कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन वो आने का कहकर भी नहीं आए, क्योंकि वो इस इतने बड़े गोलीकांड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग तो चुपचाप निकल जाएंगे और हमें इनका जवाब ना देना पड़े, लेकिन हम जब हटेंगे थाने से, जब एसीपी खुद आए और हमें जवाब दे कि कब हम आरोपियों को देंगे, जब तक वो आरोपी हमारे सामने नहीं आएंगे कोई हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा। हम सबका, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम सारी पार्टियों के लोग हैं, हम सबका सामूहिक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो ये मार्च, हमने कैंडल मार्च निकाला है, हम रास्ता जाम करेंगे। पुलिस अब थाने का घेराव आप देख रहे हैं, 4.5 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, इसमें बल्लोगढ़ क्षेत्र की मैं क्या बात करूं, सारे हरियाणा की बात करें हम तो इतना बुरा हाल है, ना हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ना भाई हैं, ना आम आदमी बिल्कुल इतना परेशान है कि कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं आज जो हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम कल सीपी साहब से भी मिले थे, सीपी साहब ने हमें कहा था कि हम 3 या 4 दिन में कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट लाके देंगे, लेकिन आज की डेट में हम अपने शून्य पे खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा हम शून्य पे खड़े हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि भाई प्रशासन हमारे लिए कुछ कर पाएगा, बहन शकुंतला जी के लिए कुछ कर पाएगा, उनका जो कातिल है जो सरेआम इस टाइम आजाद घूम रहे हैं वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, बल्लोगढ़ के व्यापारियों को, बल्लोगढ़ की जनता को कोई पुलिस प्रशासन पे इस तरह से कोई विश्वास नहीं है। मैं सीपी साहब कह रहे थे कि 4 दिन के अंदर पकड़ लिया जाएंगे, पर आज कितने दिन हो चुके हैं? आज 12 तारीख इसमें, ये शनिवार 12 तारीख का सुबह 6:45 का कांड है और इस आज शनिवार ही हो गया, लेकिन अब तक एक भी झूठे के लिए भी कोई आदमी हमारे को तसल्ली बख्श करने ये नहीं आया कि हमने फलाना आदमी पकड़ा है। हमने जो हमने सीपी साहब से बात की, सीपी साहब ने कहा हम इस समय भी 0 पे खड़े हैं, हमें कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला। मैं इतना प्रशासन होने के बाद भी पुलिस एक मुजरिम को नहीं पकड़ पाती, फिर आम आदमी और हमें कैसे न्याय मिलेगा, ये सोचने का विषय है। क्या मामले को दबाया जा रहा है? हैं जी, क्या मामले को दबाया जा रहा है? मैं तो यही समझता हूँ, जब 8 दिन आज हो गए तो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हुई, कहीं कोई पकड़ा नहीं गया, कोई पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है कौन आरोपी है कौन नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं है। और पुलिस प्रशासन से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो गुंडे बदमाश है वो बेखौफ घूम रहे हैं, और जो एक आम आदमी है वो चौकी थाने में जाने से घबराता है, रोज चोरी होती है। अभी पीछे 4 महीने पहले 3rd डिग्री व्यापारियों के साथ अपनाया गया, उसमें हमारे स्थानीय विधायक ऊपर तक गए, उन्होंने खुद यहाँ पे कहा कि भैया हमारे हाथ से पुलिस हमारे काबू में नहीं है, अगर सरकार के भी हाथ में पुलिस नहीं है तो ये सोचो कि आम जनता क्या करेगी। इतने मजबूर आज लोग हो गए हैं, कल हम कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब का जो ढुलमुल जो रवैया था उसे हमें नहीं लग रहा कि वो इस चीज को लेकर तनिक भी सीरियस है। आज हम ये सांकेतिक रूप से कैंडल मार्च कर रहे हैं और अगर जल्दी इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम तीसरे दिन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एटीएम लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। गत दिनों मोहना में बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन उखाड़ने के बाद अब बल्लभगढ़ के हरी बिहार में बदमाशों ने आमने सामने लगे 2 एटीएम बूथ पर उनके शटर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत यह रही कि जब तक वह घटना को अंजाम दे पाते तब तक स्थानीय लोग जाग चुके थे, जिन्हें देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। मामला बल्लभगढ़ की हरी विहार कॉलोनी का है, जहां पर मुथूट और ICICI बैंक के 2 एटीएम आमने सामने हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गत रात लगभग 3 बजे 5 से 6 बदमाश इन एटीएम मशीनों को लूटने की फिराक में थे, लेकिन गनीमत यह रही कि जब तक वह घटना को अंजाम दे पाते तब तक स्थानीय लोगों की नींद जाग चुकी थी और उन्हें देखकर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। हमारे पास अभी इतला मिली है, इतला के पास ही हम मौका घटना स्थल पर पहुंच गए, यहाँ जांच कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। कोई रात को कोई अज्ञात व्यक्ति आया जिसने शटर तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो नाकाम हुआ,
और पुलिस की गश्त वस्त आ गई थी जैसे, तो वो सायरन वायरन जैसे बजा है वो उससे भाग गया। लेकिन हम अपनी जांच कर रहे हैं और जांच से जो भी तथ्य सामने आएगा उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई अमल में आएगी। कितने लोग बताए जा रहे हैं जो ये कहते हैं कि 3-4 आदमियों की विजिबिलिटी दिखाई दी है यहाँ पे, जो हम हमारे जो उसमें आ रहे हैं, फिर भी हम जांच कर रहे हैं किसी भी तरह की, अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम मुनासिब कार्रवाई करते। दोनों बैंकों का यहाँ कोई गार्ड तैनात नहीं होता, क्या निर्देश दिए जाएंगे बैंकों को? जो भी ये बैंक ब्रांच है जिन्होंने यहाँ पे ATM है उनकी तरफ से कोई गार्ड प्रोवाइड नहीं है। हम उन ब्रांच मैनेजरों को लिखित में आदेश देंगे कि यहाँ पे गार्ड प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे रात को ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, ज्यादातर लाइटें बंद रहती हैं और अनऑथराइज कॉलोनी है ये, तो इसमें या तो गार्ड प्रोवाइड करवाए जाए, जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी हम अपने अफसरों बाला को लिखकर उन बैंक ब्रांच मैनेजरों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद के गांवों में किसानों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। किसान गांव-गांव जाकर पंचायतें कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं कि मुआवजा नहीं तो वोट नहीं। साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी गांव में किसी भी पार्टी के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा और उसका पुरजोर विरोध भी किया जाएगा। ऐसी ही पंचायत गाँव निमका में भी की गयी जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत के संयोजक सतपाल नरवत ने बताया कि सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, चाहे वह IMT का मामला हो या फिर रेलवे लाइन का। किसानों की जमीन सस्ते में ले ली गई है और जब कोर्ट ने उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया तो उस आदेश की अवहेलना की जा रही है, अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। किसानों की राजनीति करने वाले आज किसानों पर ही अपनी गंदी राजनीति की छाप छोड़ रहे हैं। सरकार और सरकार के ISPCS सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के गुण गा रहे हैं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रण लिया है कि फरीदाबाद के सभी गांवों में पंचायत करके लोगों को जागरूक किया जाएगा और किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी पंचायत करिए, नीमके में पंचायत हुई है और हमारी पंचायत ने डिसीजन लिया है कि वोट नहीं, मुआवजा नहीं तो वोट नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अब आगे से हम ये प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि गांव में किसी नेता घुसने भी नहीं दिया जाए। मुआवजा दिया ही नहीं गया है, मुआवजा नहीं दिया गया जाता, हमारे हाईकोर्ट के डिसीजन भी हो गए, उसके पश्चात भी हमें मुआवजा नहीं मिला, 2 साल हो गए उसको उल्ट करते हुए। क्या क्या आश्वासन देते हैं कि आपका मुआवजा कराने बाद कुछ भी नहीं है, इलेक्शन नजदीक है, हम आगे से बस यही प्रक्रिया हमारी, हम गाँव में नेता घुसने भी देंगे, इनमें जूता और मारेंगे आप होटल तक, होटल तक, बॉर्डर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारे किसान इकट्ठे हो चुके हैं बॉर्डर टू बॉर्डर। हमने पंचायत की मुहिम बुढ़ाना गांव से शुरू की, पिछले रविवार बुढ़ाना पंचायत करी और आज नीमका गांव में, इसी तरह अगली 27 तारीख को खेड़ी ग्राम पंचायत की जाएगी, उससे आगे बादशाहपुर में, फिर बड़ौली में, इसी तरह हर एक गाँव में पंचायत करेंगे और लोगों को सरकार की जो नाकामी है, जो किसान विरोधी नीतियाँ हैं उनके बारे में जो लोगों को बताएंगे और जागरूक करेंगे। आज किसान को जो अपनी जैसी बताती है सरकार, किसान का जो खाद का यूरिया खाद है उस पर भी वजन कम कर दिया, 45 किलो कर दिया, जबकि मूल्य वही रखा है, और भावांतर मूल्य देने की बात करती है सरकार, वो भी नहीं जा रहा किसानों को। दूसरी तरफ आढ़ती और व्यापारी जब हड़ताल करते हैं उनकी बातें मान ली जाती हैं, जो सरकार कहती थी किसानों के खाते में सीधी पेमेंट जाएगी, रजिस्ट्रेशन कराओ आप, रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी जब आढ़तियों ने ये कह दिया सरकार से हमारे थ्रू पेमेंट जानी चाहिए, तो उनके आगे सरकार नतमस्तक हुई और किसानों की बात कोई सुनी नहीं जा रही। इसी तरह जैसे सरकार कहती है हम गरीबों के लिए 5 लाख का आयुष्मान योजना लागू करी, हमने पंचायत के माध्यम सभी जगह हम बात कर रहे हैं, किसी एक भी व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को इस योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला है। मतलब सरकार झूठे वायदे ज़्यादा करती है, वाई ज़्यादा लूटना चाहती है, लेकिन धरातल पर कोई योजना हमें दिखाई नहीं रही। मतलब सर कोई भी राजनीतिक पार्टी आए किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, आज किसानों सूखा पड़ जाए, ओला पड़ जाए, उसकी बारिश फसल का जो नुकसान होता है उसकी मुआवजा नहीं दिया जाता, फसल बीमा उन्होंने लागू करी, किसानों के खाते से पैसे काट लिए गए, हमारे रिवाजपुर, दरसिया, महतपुर कई गांवों की जमीन नष्ट हुई, उसका बीमा का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। मतलब किसी भी तरह किसान हितैषी होने का दावा सरकार ये झूठा है, किसानों के साथ विश्वासघात करे सरकार, और हमने आगे फैसला किया है जो हम 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम कर्जे माफ़ करेंगे, किसानों की पेंशन बांधेंगे, हमें हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा, जो हमारी जमीन अधिग्रहण की गई थी, जबरदस्ती अधिग्रहण की गई थी उपजाऊ जमीन, उसका मुआवजा हमें दिया जा रहा, तो हमें इस सरकार से बिल्कुल खिलाफत कर रहे हैं, इनके नाराज हैं और आगे जहीं भी कहीं भी काम पर जाना करें इनका मुआवजा नहीं, वोट नहीं का नारा दे करके हम इनके खिलाफत करेंगे और इनको वोट ना देने का अपील करेंगे किसानों से, और जब भी नहीं माने तो हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। सर इसमें किसानों का ही एजेंडा रखा गया, चाहे वो अपना सड़क का हो, रेलवे का हो या IMT का, किसान के साथ में जो भी सरकार आई पहले कांग्रेस ने,
अब बीजेपी ने हमेशा धोखा ही दिया और जहां भी हुआ किसान का शोषण किया। इन्होंने किसानों को बोला कि भाई हम आपको चार गुना देंगे, कलेक्टर रेट का चार गुना देंगे। डीसी ऑफिस में बोर्ड लगाए हुए थे सब जगह, वो बोर्ड इन्होंने रातों रात हटा के और अब कहते हैं जी हमने नहीं, वो दूसरी पार्टी ने किया था, जिसमें कि चेयरमैन जब वो भूमि अधिग्रहण बिल बना था तो इस ये भारतीय जनता पार्टी की जो चेयरपर्सन है सुमित्रा महाजन, वो उसकी हेड थी, चेयरपर्सन थी उस टाइम के डिसीजन को, और इस गवर्नमेंट ने आके उल्टा पलट दिया और आज ये कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। किसान के हितैषी ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हर किसान चिल्ला रहा है, चाहे वो अपना सड़क का मुआवजा है, IMT का है या रेलवे का है, ये पहले तो सरकार देने को तैयार नहीं है और उससे ऊपर जो हमारे ये IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं ये किसानों के टोटली अगेंस्ट हैं। और इनका इनकी एक ही सोच है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन बिजनेसमैन, बस। क्या रणनीति तय करी है आपने? रणनीति ये है कि जिस भी गांव में ये जाएंगे, कोई भी पार्टी का हो, हमें ये नहीं है कि अभी बीजेपी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, सबका पार्टी का विरोध होगा और गाँव में इनको एंट्री नहीं करने देंगे। और इन्होंने ज़्यादा वो किया, फोर्स के साथ आए तो इनको जूतों की माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। जनपद शामली के बड़ा बाजार में मां शाकुंभरी देवी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान पूरी रात माता के भजनों का प्रस्तुतिकरण गायकों के द्वारा किया गया, जिसमें श्रद्धालु पूरी रात झूमते रहे। वहीं इस दौरान केक काटा गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।